नमस्कार, मैं हूं श्रीश उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शमशान भूमि को लेकर गरमाई राजनीति। शिया समुदाय ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। मुंबई के मालाडपुर विधानसभा क्षेत्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। यहाँ श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है, जिसका कल एक उदाहरण देखने को मिला। महाराष्ट्र माइनॉरिटी फ्रंट द्वारा मलाड के कांग्रेसी विधायक असलम शेख के मालवानी के मुसलमानों को दलाल लिखे जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें मालवानी के सिया समुदाय के मुसलमान शामिल हुए। यह प्रदर्शन भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद शेलार के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कई भाजपा नगर सेवक एवं पदाधिकारी मौजूद थे। मालवानी के रास्ता नंबर 7 के पास विरोध प्रदर्शन करते हुए माइनॉरिटी फ्रंट की तरफ से मांग की गई कि कौम को दलाल लिखने वाले कांग्रेसी विधायक को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक ने मालवानी को सिर्फ बर्बाद किया है। मुस्लिम कौम का नारा है गोपाल शेट्टी हमारा है का नारा लगाते हुए मलाड विधायक असलम शेख को मुस्लिम विरोधी घोषित किया गया। मौके का फायदा उठाते हुए भाजपा प्रवक्ता योगेश वर्मा ने कहा कि चोरों को सब चोर नजर आते हैं, उसी तरह दलालों को सब दलाल नजर आते हैं। वहीं माइनॉरिटी फ्रंट ने विधायक असलम शेख के कामकाज को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि असलम शेख को 15 साल का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने हमें रौंद डाला। उन्होंने सिया समाज को सिर्फ दुख दिया है। विनोद शेलार ने कहा कि भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने सिया समाज के लिए मालवानी में शमशान भूमि के लिए 5 एकड़ की जमीन आवंटित करवाई है, जिसके लिए सिया समाज के लोगों ने गोपाल शेट्टी का स्वागत किया और बैनर लगाया। दूसरी तरफ इस मामले में असलम शेख ने बताया कि ये सब भाजपा की राजनीति है, कहीं भी 5 एकड़ का प्लॉट आवंटित नहीं किया गया है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। और रही बात शमशान की, तो मालवानी में पहले से शमशान भूमि है, जिसमें सभी मुस्लिम समाज के लोग अपने मृत परिजनों के अंतिम संस्कार करने जाते हैं। असलम शेख ने कहा कि उन्होंने विधान भवन में भी ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद मालवानी अम्बुजबाड़ी में मनपा ने 5 एकड़ की जमीन आवंटित की है, जो सभी मुस्लिम भाइयों के लिए है, सिर्फ सिया समाज के लिए नहीं, जिसकी राजनीति भाजपा कर रही है। मुंबई से सत्य प्रकाश, खबरदार। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।